शिमला शहर में ट्रैफिक की समस्या के चलते पुलिस को मौके पर पहुंचने में कई बार ज्यादा समय लग जाता है, जिससे अपराधी अपराध करके फरार हो जाता है। इसके मद्देनजर शिमला पुलिस ने वीरांगना ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है। शिमला नगर निगम की मेयर सत्या कौंडल ठाकुर ने स्कूटी में सवार पुलिस की 6 वीरांगनाओं को सीटीओ से शहर के लिए रवाना किया। स्कूटी में सवार ये वीरांगनाएं ट्रैफिक और महिलाओं को जल सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगी। शिमला एसपी मोहित चावला ने बताया कि शिमला के 6 थानों को 6 स्कूटी दी गई है, जिसमें पुलिस की वीरांगनाएं शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के साथ कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम करेंगी। खासकर शहर की महिलाओं को जल सुरक्षा और न्याय देने के मकसद से इसका शुभारंभ किया गया है। शिमला जिला को कुल 20 स्कूटी सरकार की ओर से मिली है, जिनमें से शहर के 6 थानों में आज एक स्कूटी रवाना कर दी गई है। वहीं नगर निगम शिमला के मेयर सत्या कौंडल ने पुलिस के इस कदम की सराहना की और कहा कि इससे महिलाओं के साथ अपराध में कमी आने के साथ ही उन्हें तुरंत महिला पुलिस की सहायता भी मिलेगी, क्योंकि महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। डिप्टी मेयर मैडम, काउंसलर साहब हमारे पास हैं, एमसी साहब हमारे पास हैं। हमने एक आग्रह किया वुमेन सेफ्टी के लिए। शिमला पुलिस, हिमाचल पुलिस, हमारी सरकार वचनबद्ध है, हमारा जीरो टॉलरेंस है। 6 महीने पहले शिमला का ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए हमने सिट्राम इशू किया, शिमला सिटी ट्रैफिक रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट प्लान। उसमें हमने अपनी रफ्तार स्क्वाड इंट्रोड्यूस किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन हमें 6 मंथ से इतने पॉजिटिव फीडबैक्स आए कि लड़के 24/7 ऑपरेशनल रहते हैं, बिना किसी समय के पहुंच जाते हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को प्रॉपर मैनेज करने में हमारी बहुत योगदान दे रहे हैं। हाल फिलहाल में अभी ऑनरेबल सीएम साहब ने पूरे स्टेट को वीरांगना ऑन व्हील्स दी। हमने कोशिश किया कि वीरांगना ऑन व्हील्स और रफ्तार स्क्वाड को मर्ज किया जाए, ताकि ये लड़कियाँ ट्रैफिक के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पर महिलाओं की आवश्यकता है, स्मार्ट हो हमारी पुलिसिंग, सेंसिटिव पुलिसिंग हो। और उसके मद्देनज़र आज हमने 6 जो शहर की बाइक्स हैं, 6 अदरवाइज हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में ही एक्टिवास 20 हैं, आज इनको मेयर मैडम ने हरी झंडी दी है। और हमारी आशा रहेगी कि जैसे हमारी रफ्तार स्क्वाड एक्टिव है, एजाइल है, सेंसिटिव है, वैसे ही हमारी जो वीरांगना ऑन व्हील्स हैं, ये भी हमारी रफ्तार स्क्वाड के साथ मिलें और एक शहर में अच्छा ट्रैफिक सोल्यूशन के साथ साथ महिलाओं की जो हमारी सेफ्टी है, जिसमें वचनबद्ध हैं, उसको भी कॉन्ट्रीब्यूट करें। सर, जिस तरह से वाली मोटरसाइकिल चलती थी, उसी तरह से ये भी चलेगी सर? यस, ये क्योंकि थाना क्षेत्र को कवर करेंगे, हम इनका बडी पेयर भी बनाएंगे, इसके साथ एक पिलियन राइडर भी, अभी तो आपने सिंगल देखा, इनके साथ पिलियन राइडर बैठेंगे। और जहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस अभी बंद हैं, प्रयास रहेगा जहाँ पे महिलाओं की आवाजाही हो, इवनिंग टाइमिंग्स हो, टूरिस्ट हो, तो वहाँ पे इनको चलाने का हमारा प्रयास रहेगा। नहीं, अभी हम ऑपरेशन, क्योंकि महिलाएं हैं तो रात में हम ऑपरेशनल नहीं करेंगे, रात में तो हमारा ट्रैफिक और रफ्तार विंग ही रहता है, लेकिन ये डे टाइम में आपको एक्टिव फील्ड में नजर आएंगी। सर, कौन थाने हैं? हर थाने में हमने एक दी है। धन्यवाद। देखिए, मैंने उस टाइम भी बोला, आप सब जानते हैं हमारा मेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल्स के अंदर और पुलिस स्टाफ सड़कों पर कोविड वॉरियर की तरह काम करते हैं। अब हमें कई तरह के लोगों से जूझना पड़ता है, बहुत दुखद है, हमारा भी मोरल डाउन होता है, एक दुर्व्यवहार किया गया हमारे एक जवान के साथ। बट इवेंचुअली हम ये भी नहीं कह सकते कि जो उन्होंने उनको स्लैप किया वो हम उसको जस्टिफाइड करेंगे, उसकी इंक्वायरी कल तक मेरे पास आ जाएगी और फिलहाल वो लाइन में ही अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। बट आपके माध्यम से मैं यही आग्रह करूँगा कि प्लीज़, ये जो कोविड की लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है, अगर पुलिस का कोई पर्सनल आपको मास्क के लिए या सोशल डिस्टेंसिंग या ट्रैफिक में कोई बोलता है, आप कॉपरेट करें। हमारी पुलिस, हिमाचल की पुलिस बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ये बाहर के सैलानी थे, इनके ऊपर अलग इंप्रेशन रहता है, बट वी आर अ टीम और हमारे लिए तो सिटीज़न फर्स्ट हैं। मैं चाहूँगा मेयर मैडम को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और पुलिस प्रशासन, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कुंडू जी और खासकर हमारे जो बोइट जी जो एसपी शिमला है, इनके द्वारा जो एक बहुत बड़ी मुहिम यहाँ चलाई गई है, ये बहुत खुशी की बात है। और इसमें जो हमारी सरकार ने जो है 20 शिमला मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए 20 जो है स्कूटियाँ दी है, और ये बहुत अच्छी पहल है। इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा हम महिलाओं को होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि महिला पे बहुत सारे अत्याचार होते हैं, उनके साथ कई तरह की घटनाएं घटती है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है कि हर महिला को जो है एक एक स्कूटी दी गई है। जहाँ भी कहीं इस तरह की घटना होती है तो हमारी जो महिला पुलिस है वो तुरंत वहाँ पर जाएगी, उनके घर द्वार जाएगी और उनकी जो प्रॉब्लम्स होगी महिलाओं की उनको सॉल्व करेगी। तो मैं सोचती हूँ शिमला शहर के लिए बहुत खुशी की बात है, और मैं इसके लिए मोहित जी को बार बार बहुत बहुत इनको बधाई भी देती हूँ और शुभकामनाएं। ठीक है।